का है भैया? एक तो हम ऐसे ही परेशान रहते, ऊपर से इतना सारा चिड़ैया ले आए, इका का काम है भैया? इति के लिए है जीजी। शायद उनकी चहक इसकी आवाज वापस ले आए। कहते हैं जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता तब कोई राह दिखाने वाला आ जाता है। राजकुमारी की भी जिंदगी में एक राजकुमार आया और जब वो मिले तो आसमान से सितारों की बारिश होने लगी। इति, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। अच्छा, आंखें बंद करो। वन टू थ्री। सो ब्यूटीफुल ना? देखो सब बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे इति, हैप्पी बर्थडे इति। कुछ बात करो ना इनसे गुड़िया, कुछ बोल रही थी। पंकज भैया, अब आप अपने पर ज्यादा बोझ ना ही लो। हम किस लिए हैं? इति को हमें दे दो, इति अब आराम करेगी और आप भी कुछ खा पी लो। आजा इति, आजा आजा आजा। देखो मैं पिंजरे पर नजर रखता हूँ, तुम लोग चारों तरफ रखो, चांस देखकर चिड़ियों को उड़ाना पड़ेगा। पहले कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ का खाना देख के ना बहुत सी भूख लग रही है। अब मेरे मना करने से तो मानने वाले हो नहीं तुम लोग, तो चलो। हम तो चाहते हैं कि तुम ना बोलो। अरे एक बात बताओ, तुम बिना बोले बोर नहीं होती? अरे हम पल दो पल ना बोले तो हमारा दम फूलने लगता है। देखो इति, मेकअप और आंसू औरत के दो सबसे बड़े हथियार होते हैं। एक को चेहरे पर सजाई के चलाया जाता है और दूसरे को चेहरे से किराई के। और बाकी रोने की बात, वो तो तुम्हें आता ही है। मेकअप और सजना हम सिखा देंगे। छोटंकिया कहाँ चली गई? इति, इति, मम्मी यार, वो फिर से आ गई, भागो! इति, मम्मी यार, तुमने तो डरा ही दिया।
कान क्यों बंद किया है? इससे भल्ला गुल्ला से डर रही हो क्या? तुम क्या पार्टी में भूत बनकर आई हो? मैं तो बेकारी नहीं नहीं चिड़ी उड़ाने आया, मतलब खाना उड़ा रहा हूँ। अपने दोस्त मेवा के बर्थडे पार्टी है ना, जॉय तो करना पड़ेगा। भगवान ने मुंह खाने और बोलने के लिए दिया, मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ और तुम एक भी नहीं कर रही हो। खाओगी? गजब कर रही हो तुम, ना बोल रही हो ना। तुम सच में भूत तो नहीं हो? दीदी ने कहा था आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है, कहीं इसलिए तो नहीं कि आज तुम मुझे मिलने वाली थी? मेरा मतलब भूत मिलने वाला था। देखो भूत तो बता दो, नहीं तो मुझे हनुमान चालीसा आता है। मुझे पता है तुमसे कैसे बोलवाना है। मुझे पता था तुम भूत नहीं, सिर्फ एक नकचड़ी अकड़ू लड़की हो। इति इली निकलो। दुनिया तुम्हारा जन्मदिन मना रही है और तुम यह मातम। चलो। अरे बाप रे, बर्थडे इस नकचड़ी का है, लेकिन वो कुछ बोली क्यों नहीं? जिसका था उसका हो गया। क्या बोल रहा है तू शिव? शिव होश में तो है, क्या बोल रहा है? जब मुझे चोट लगी थी तो मुझे तेज रोशनी दिखाई दी, लेकिन वो रोशनी मुझे जला नहीं रही थी,
मेरे जख्म भर रही थी। That's okay, Shiv, Shiv, this happens. See, this is hallucination. होता क्या? जब सर पे चोट लगती है, तो एक तरह का भ्रम क्रिएट हो। ये भ्रम नहीं था संजय। I know the difference. I'm a doctor. जब मैं बेहोश था तो मुझे एक आसमानी आवाज सुनाई दी। उस आसमानी आवाज ने मुझसे कहा कि मेरा वजूद एक डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करना नहीं है, बल्कि रूहों का इलाज करना है, देवी को तलाश करके उन्हें पाना है। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया क्या? Have you listen, Shiv? Shiv, what is wrong with you? Listen, you are a man. You are a man of science. You are a doctor. था, लेकिन जो आवाज मेरी गहराई तक उतर गई है, उसने मेरा रास्ता बदल दिया है। आज से तुम्हारा साइंस दफन होता है और मेरी आस्था शुरू होती है। शिव ऐसा होता है, देख, जब चंद लम्हों के लिए सांसें रुक जाती है ना तो। मेरी सांसें रुकी नहीं थी, रोकी गई थी। मुझे एक नया जन्म देने के लिए अब बस मुझे देवी को ढूंढना है, उन्हें पाना है और इस धरती पर लाना है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।